हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग से मूली के पत्ते के साग शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए देखिए, मैं ये मूली ली हूँ, उसके पत्ते को मैं मूली से तोड़ के निकाल लेती हूँ और निकाल कर काट कर धो कर के अच्छी तरह से फिर मैं बनाना शुरू करती हूँ, तो आप लोग को दिखाती हूँ। ये मैं मूली का पत्ता देखिए काट ली हूँ और धोकर इसको रख ली हूँ। अब मैं इसको साग बनाना शुरू करती हूँ। तो ये देखिए, मैं गैस पे चढ़ा दी हूँ बर्तन। अब मैं इस पे गर्म हो गया है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। बस आपको 2 चम्मच ही ऑयल डालना है, क्योंकि साग में ज़्यादा ऑयल नहीं डाल जाते हैं। मेरा ऑयल गर्म हो रहा है। ये मैं एक सूखी लाल मिर्च ली हूँ, आप देख रहे होंगे। अब इसको मैं गर्म ऑयल में डाल दे रही हूँ। इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके इसमें मैं साग को डाल दे रही हूँ। साग में डाल दूँ जिसमें मैं थोड़ा सा नमक, बहुत हल्का, देख लीजिए। इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल दे रही हूँ, और ज़्यादा ही पानी नहीं डालना है, बस थोड़ा सा पानी डालना है, क्योंकि ये हरा है, हरा पत्ती पानी छोड़ते हैं इसलिए। और इसको फिर मैं ढक देती हूँ। ढकने के बाद पानी जब सूख जाएगा तो बीच बीच में चलाते रहूँगी, और पानी सूखने के बाद इसको मैं थोड़ा सा चला करके फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो ये मेरा देखिए मूली वाला पानी सब सूख गया है साग में। अब मैं इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ, ताकि साग ये खाने में सुंदर सुंदर लगे। तो ये हरी पत्ती है, तो साग में उतना डाली थी, लेकिन ये गल जाता है साग। तो मैं थोड़ा सा इसको 2 मिनट भून लेती हूँ, ताकि सुंदर लगे। ये देखिए मेरा साग भुन गया है। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ गैस को, ये रेडी हो गया। ये मेरा मूली के पत्ते का साग देखिए बन के रेडी हो गया है, तैयार हो गया। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय फ्रेंड्स।